जनता ने आपको आशीर्वाद दिया हुआ, तीसरी योजना में आपको आज सरकार ताज बनाया हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आज जनता की आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। विधायक जी क्या कहें? नमस्कार, मैं अजय, और आज शहर की हल्के की वो विभूति जो आज कहीं ना कहीं वर्षों वर्ष से भाजपा को पौधे के कहो या छोटी काशी की जनता की कहो, जनता इनको सींच रही और ये कहीं ना कहीं अपने हाथों से अपने योगदान से आज कहीं ना कहीं भाजपा को सींच रहे माननीय घनश्याम दास सराफ विधायक भिवानी। नमस्ते सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। मुबारक तो भैया, जो काम पूरा हो जाए जब दे देना, धन्यवाद भी जद्दे कर दियो। इसमें तो शुरुआत हो ये है, दिवाली तक शहर की सारी सड़कें ठीक हो जाएंगी। कोई भी आदमी ये नहीं कह पाएगा कि खड्डे हैं। जी कारण क्या था कि ये काम क्यों नहीं हो पा रहा था? अधिकारी दो महीने पहले से हमने उसमें दे दिया था कोविड के तुरंत बाद, और बरसात के कारण कुछ दिनों तक ये काम रुका रहा। एक टेंडर जब फ्लोट होता है तो उसमें भी 15 दिन का समय अधिकारियों के पास काम शुरू करवाने का होता है। आज ये काम वेस्ट कॉलेज के सामने से शुरू हो गया और दीपावली तक हम शहर की सारी सड़कों को दुरुस्त करवा दें। लेकिन विधायक जी, सड़कें नहीं, शहर के अंदर और भी समस्याएं हैं, वो भी आपने दुरुस्त करवानी है। सीवरेज और पानी की समस्याएं पीछे रही हैं। आज अधिकारियों के साथ मेरी बैठक हुई है और अधिकारियों ने ये कह दिया कि हम जल्द से जल्द पूरे शहर के सीवरेज एक बार दोबारा साफ करेंगे, और इसी प्रकार पानी की कुछ समस्याएँ जैसे गली मोहल्लों में रही है उनमें नई लाइन डलने का काम शुरू हो गया। एक विधायक जी, जनता आपको बार बार आपके दर्शनों की अभिलाषी रहती, वार्डों की, वो आप नहीं मिल पाते, क्या कहेंगे? मैं सुबह 11 बजे तक जनता के लिए उपलब्ध रहता हूँ, और जो हमारे माननीय सदस्य हैं विधानसभा के, उन सब का काम करना मेरी प्राथमिकता है। अच्छा विधायक जी, एक मेरे पास मैसेज आया था, मैंने आज सोशल मीडिया लिखा था कि मैं माननीय विधायक जी का इंटरव्यू लूँगा, तो उन्होंने एक मैसेज किया था कि अब उनसे पूछना कि जो आज बधाई के पात्र हैं वो जेपी दलाल मंत्री जी कहलाओगे या फिर माननीय घनश्याम दास सराफ कहलाओगे, क्योंकि उनके दौरे ने कहने की असर किया और आज सर्कुलर रोड का रोड का ये सारे काम मैंने पहले ही विभाग से मंजूर करवा दिए थे। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, मैडम असीमा ब्राड के सामने, हमारे निगम साहब के सामने, और EIC हमारे GD गोयल हैं उनके सामने, इन सब से मैंने ये काम मंजूर करवा दिए थे, और आज ये बेहतर स्थिति है कि हमारा काम शुरू हो गया है। लेकिन काम होने में 1 से 1.5 महीना लगता है, वो समय मैं जनता से भी मांगता हूँ, और जनता जो आशीर्वाद बराबर मेरे पर रखती है वो सारी मेरे लिए पूजनीय है, क्योंकि जनता जब तक साथ नहीं होती तो कोई भी आदमी विधायक नहीं बन पाता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। और जनता की जो आवाज़ है वो मेरे कानों में बार बार गूंजती रहती है, और इसको ठीक कराने के लिए मैंने अपना सर्वस्व लगा दिया। विधायक जी, जनता ने जो आशीर्वाद आपको आशीर्वाद दिया हुआ, तीसरी योजना में आपको आज सरकार ताज बनाया हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आज जनता की आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुँच पाती, विधायक जी क्या कहें? ऐसा है, मैं सबकी बात सुनता हूँ, चाहे वो मीडिया के माध्यम से आए, चाहे अखबार के माध्यम से आए, या व्यक्तिगत मिलके कोई आदमी आता है तो मैं उसका काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। विधायक जी, एक हर बार मैंने भाजपा नेता से एक सवाल पूछा है कि आप 5 काम ऐसे बताओ जो आज कहीं ना कहीं अपने कंधों पर कह सके हमने करवाया हमारे MLA। अजय जी, आपको पहले भी बता दिए थे कि हमारे शहर के 6 जोड़ जिनका ऐसा सौंदर्यकरण किया गया है, और कुछ एक दो का बाकी है, एक जोड़ का काम लठियावाड़ी का मैं खुद करवा रहा हूँ। विधायक जी, उन जोड़ों पे तो निरोध के पैकेट पा रहे, बाथरूम लेटरिन में टॉयलेट भी ऐसे गंदे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे इनकी जोड़ की बात थी, चाहे इनके जोड़ की बात थी, चाहे किसी और जोड़ की बात थी, लेकिन व्यवस्था नहीं है। लेकिन पुलिस सुने, जो आज सोशल जो आम एक्टिविस्ट हैं, जो समाज सेवी हैं आप जैसे गुरु में, वो सर गोद ले रहे, वो तो वहाँ का काम शुरू हो रहा है। विधायक जी क्या कहेंगे आप? गलत जोड़ इस टाइप के कोई भी काम हमारी नगर परिषद करती रही है, और जो आप लैटिन वगैरह की और कुछ अलग टाइप के बातें बता रहे हैं, उनका काम हमारा न नगर परिषद का है न मेरा है, उनको केवल साफ और सफाई रखने का
अधिकार नगर परिषद, लेकिन विधायक जी व्यवस्था दबाना तो आपका काम नगर परिषद का काम होगा। जो लड़ लगाए थे टूट गए थे सर, वो कमीशन खोरी था, वो क्या चक्कर था सर, वो बताओ विधायक जी, क्योंकि काम होगा कौन नहीं, उस तो पहले खराब हो जाए सर, फर्श पार दरार आ जाती है सर, ऐसा कैसा काम हो रहा है कि आपकी नज़र से, जो आपकी नज़र से पैना बचा हो सर काम? ऐसा है जी, मैं अपने ऑर्डर के माध्यम से नगर परिषद को भी कहता रहता हूँ कि यह काम करना ज़रूरी है, और आज भी कोई भी विभाग हो, मैं किसी भी अधिकारी को जो इन कामों में नकली काम करते हैं या नकली सीमेंट वगैरह डालते हैं जिनमें दरार आप बता रहे हैं, मैं उनको कभी भी नहीं बख्शता। उनको लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और सबसे मुलाकात करके, और डॉक्टर नीलविद जी जो हमारे नगर निगम के नगर निकाय के चेयरमैन हैं और मंत्री हैं, उन सब को लेकर मैं बार बार ये बातें रखता रहता हूँ जिससे हमारा काम आगे बढ़ रहा है। लेकिन सर आज छोटी काशी अपनी खुद की दशा रो रही सर, किसी के रूम में लगा लीजिए बताइए जी, क्या कहेंगे? ऐसा है, कारण क्या मानते हैं? केवल और केवल सड़कों को लेकर बात कर रहे हैं सर, सड़कों बात नहीं है सर, मैं अगला सुने सर, सड़कों सुनिए सर, पीआईडी के लिए लोग रो रहे सर, डिपो पे ना जा रहा सर, उसके अंदर ये पता नहीं चला गेहूँ है, कंकर है, भट्ठे हैं, क्या है सर, गलियों में ये हाल है कि आज हनुमानगढ़ से आप मुक्तिधाम धाम की तरफ जाए सर, यहाँ इतना इतना पानी सीवरेज का सर, आम आदमी सब डेंगू भी फैल रहा, कोरोना फैला सर, व्यवस्थाएं तो आप करने वाले, अव्यवस्था सर ज़्यादा फैली हुई, कोरोना पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया है हमने, हॉस्पिटल के अधिकारियों को कह दिया है कि कोई भी मलेरिया या डेंगू इस टाइप का मच्छर शहर में पनपने ना पाए सर। फोगिंग तक शुरू, फोगिंग तो आपकी एक मशीन कर रही है विधायक जी, अभी तो एक भी लगी है, पर दो तीन भी लग जाएंगी, ऐसी बात तो नहीं, तो केस आने के बाद में लगेंगी? ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे पास जैसे ही सूचना मिलती है हम तुरंत उस एरिए में छिड़काव करवाते हैं। विधायक जी एक कड़वा सवाल, क्योंकि आप छोटी काशी से बड़े गहनता से जानते हैं, छोटी काशी को बिल्कुल बारीकी से परखते हैं, क्योंकि आपका कद और छोटी काशी का कद दोनों का मान नाप सकते हैं। लेकिन सर जो मंत्री जी ने दौरा किया रोड के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, वो एक राजनीतिक स्टंट था या जेपी लाल जी अपने पाँव पसारने लगे कहीं ना कहीं छोटी काशी के अंदर? ऐसा है जी, हमारे माननीय मंत्री हैं जेपी लाल जी, उनका भी अधिकार है कि वो सारी कामों का जिले वाइज निरीक्षण करें, और उसके तहत उन्होंने ये काम किया है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि चाहे वो हों, चाहे धर्मवीर जी हों सांसद हमारे, इन सब के माध्यम से जो भी काम होता है वो भिवानी शहर के खाते में आता है। तो सर अब आगे की रणनीति क्या है आपकी और क्या बनाई जाएगी? तो यही है कि शहर के काम जल्द से जल्द पूरे हो सर, टाइमिंग हो, दिवाली से पहले हो जाएंगे सर? दिवाली से पहले सारी सड़कों का काम हो जाएगा, और दिवाली से पहले सिवरेज की दोबारा सफाई के लिए हमने आदेश जारी कर दिए हैं, उस पर भी कार्रवाई होने जा रही है। पानी की लाइनें भी कुछ जो एरियो में पानी नहीं पहुंच पाता था, उसका भी काम तेज़ी से चल रहा है, और लाइनें भी गिरनी शुरू हो गई। विधायक जी वार्ड बंदी हुई है, जो आज वार्ड बंदी कहीं ना कहीं कुछ वार्ड टूटे हैं, कुछ बिखरे हैं सर, क्या कहेंगे थोड़ा? देखो कुछ वार्डों में वोट कम थे जी, उन वोटों को पूरा करने के लिए जो हमारा 5,000 का टारगेट है 4,000 से 5,000, उसके अंडर ही हम सारे वार्डों को करेंगे। एक विधायक जी जो सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है कि अब जो लकी ड्रा हुआ था वो कैंसिल हो चुका सर, विधायक जी उसके ऊपर क्या कहेंगे अब की बार, क्या फिर ये लकी ड्रा कैंसिल करने मतलब? ऐसा है, वो कैंसिल अभी ग्रामीण क्षेत्र का हुआ है, शहरी क्षेत्र का नहीं हुआ है, और जैसे ही ये ड्रा होगा पंचायतों का, तो उसके बाद पंचायत के चुनाव कोर्ट से इजाजत लेके करवाने का काम हम जल्दी कर। चलो थैंक यू सर। तो हमने बात की भाजपा विधायक छोटी काशी से घनश्याम दास सराफ जी से, और उन्होंने कई पर्दों से बातों से पर्दा भी उठाया, और कई बातें हैं जो अब दिवाली तक सोल्व होंगी, क्योंकि अब ये बात है, पहली बात मुबारकबाद मैंने दी कि रोड की व्यवस्थाओं का काम शुरू हो चुका, चाहे मंत्री जी के दौरे से हुआ, चाहे विधायक जी के कर कमलों द्वारा साबित हुआ। जे एन सिन्हा से अजय नायक, पंकज सुनेंगे खास रिपोर्ट।